हेलो दोस्तों, आज हम सुपरमैन रिटर्न्स मूवी को देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सुपरमैन को देखते हैं। सुपरमैन कई सालों के लिए कहीं गया था। जब वो अपने घर वापस आता है तो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश होता है, और किसी को नहीं पता था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। क्लार्क की पुरानी न्यूज़पेपर कंपनी उसे बिना कोई सवाल के वापस हायर कर लेती है, क्योंकि क्लार्क अपने काम में बहुत अच्छा था। वो लुईस लेन से प्यार करता था, लेकिन लुईस ने अब शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। लुईस सुपरमैन को पसंद नहीं करती थी और उसे पता भी नहीं था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। इसके बाद हम लेक्स लूथर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस मूवी का विलेन है। लेक्स को अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिसकी मदद से वो हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद हम लुईस को देखते हैं जो एक प्लेन के अंदर कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही थी, और उस प्लेन के ऊपर एक स्पेस शटल था जिसे थोड़ी ही देर में लॉन्च किया जाना था। दूसरी तरफ लूथर कहता है कि ये क्रिस्टल पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही एक्टिवेट हो जाता है। वो उसके छोटे से टुकड़े को शहर की मेन पाइपलाइन में डाल देता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लेक्स की गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाने लगती है, पर तभी वो देखते हैं कि पानी में कुछ होने लगता है। अचानक से पूरे शहर की लाइट चली जाती है जिससे सारे कम्युनिकेशन डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। कुछ देर में शहर की लाइट दोबारा आ जाती है, लेकिन लुईस जिस प्लेन में थी उसके कंट्रोल्स खराब हो चुके थे। तभी टाइम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर लगा स्पेस शटल चालू हो जाता है, क्योंकि टाइम पर वो प्लेन से अलग नहीं हो पाता, इसीलिए उसके थ्रस्टर्स उस प्लेन के पंखों को जलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। जब टीवी में प्लेन की खबर दिखाई जाती है तो सुपरमैन तुरंत ही उस प्लेन को बचाने के लिए निकल जाता है। वो कुछ ही मिनटों में उस प्लेन तक पहुंच जाता है, और सबसे पहले सुपरमैन स्पेस शटल को प्लेन से अलग करता है और उसे स्पेस में जाकर छोड़ देता है। लेकिन वो एरोप्लेन अभी भी तेजी से नीचे गिर रहा था। सुपरमैन उसके दोनों पंखों को तोड़ देता है ताकि उसमें आग न लगे, और वो उस प्लेन के आगे आकर उसे हवा में रोकने की ट्राई करता है, लेकिन उस प्लेन का वजन ज्यादा था। इससे पहले वो जमीन से टकराता कि सुपरमैन उसे रोक लेता है और उसे आराम से एक बास्केटबॉल स्टेडियम में रख देता है। सभी लोग सुपरमैन को देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो इतने सालों के बाद वापस आया था, और लुईस उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद तो सभी न्यूज़पेपर वाले सिर्फ सुपरमैन के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन लुईस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उस क्रिस्टल के बारे में लिखना चाहती थी जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फेल हुए थे, लेकिन उसका बॉस उसे सुपरमैन के बारे में लिखने के लिए कहता है। क्लार्क लुईस के बेटे से मिलता है जिसका नाम जेसन था, और लुईस के पति को देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अर्थ के बाहर स्पेस में जाकर धरती से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनता है, और उसे पता चलता है कि कहीं पर चोरी हो रही है। वो फौरन उन चोरों के पास आता है। वो सुपरमैन के ऊपर गन से फायरिंग करते हैं, पर उसे तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें पुलिस को सौंप देता है। तभी एक औरत की कार की ब्रेक फेल हो गए थे, और सुपरमैन उसका एक्सीडेंट होने से पहले उस कार रोक लेता है, लेकिन ये सब लेक्स लूथर की चाल थी ताकि वो सुपरमैन का ध्यान भटका सके। और वो इसी बीच एक म्यूजियम से क्रिप्टोनाइट चोरी करता है जो कि स्पेस से गिरा था, और क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की एकमात्र कमजोरी थी। उस रात सभी को बचाने के बाद सुपरमैन की न्यूज हर अखबार में थी, लेकिन लुईस उस म्यूजियम में हुई चोरी पर लिखना चाहती थी, पर उसका बॉस उसे सिर्फ सुपरमैन के बारे में लिखने के लिए कहता है। इसके बाद हम लेक्स को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे जोर का थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने सच में कार के ब्रेक्स फेल कराए थे। इसके बाद हम क्रिप्टोनाइट को देखते हैं जो हरे रंग का था, और सुपरमैन ने लेक्स को उसे पहले भी कई बार पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको सजा मिलनी थी उस दिन सुपरमैन गायब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। और लुईस बिल्डिंग की छत पर स्मोक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ सुपरमैन आता है। वो लुईस से कहता है कि लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ था, इसीलिए मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, और वो लुईस से माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसे बिना बताए चला गया था। सुपरमैन लुईस का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन लुईस को नहीं पता था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। इसके बाद सुपरमैन लुईस को आसमान में ले जाता है और उसे पानी के ऊपर घुमाता है। लुईस सुपरमैन से नाराज थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। इसके बाद सुपरमैन अंटार्कटिका जाता है और वो देखता है कि सारे क्रिस्टल चोरी हो गए हैं। लुईस को उस घर के बारे में पता चलता है जहां सबसे पहले लाइट गई थी। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ एक बोट में आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये बोट लेक्स की है, और लेक्स ने उसे देख लिया था, और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। लेक्स के पास जो क्रिस्टल था, जब वो पानी के कॉन्टेक्ट में आता है तो एक बीज की तरह फैलने लगता है, और उसका प्लान था कि वो समुद्र के बीच सभी क्रिस्टल्स को फेंक देगा और आसपास का पानी क्रिस्टल में बदल जाएगा। इस तरह वो समुद्र के बीच में अपनी एक कंट्री बनाएगा। लुईस कहती है कि सुपरमैन ऐसा नहीं करने देगा, पर सुपरमैन को रोकने के लिए लेक्स के पास क्रिप्टोनाइट था। इसके बाद वो क्रिप्टोनाइट और क्रिस्टल को एक साथ मिलाकर पानी में फेंक देता है, और वो पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही तेजी से फैलने लगता है। लुईस हेल्प के लिए अपने ऑफिस में एक फैक्स करती है, लेकिन लेक्स के लोग उसे देख लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। जेसन अपनी माँ को बचाने के लिए एक पियानो उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है। जेसन के अंदर सुपरमैन की पावर थी, इसका मतलब था कि जेसन रिचर्ड का नहीं सुपरमैन का बेटा है। क्लार्क को लुईस का फैक्स मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि समुद्र में कोई चीज उनके शहर की ओर बढ़ रही थी, जिसकी वजह से शहर में अर्थक्वेक आने लगता है,
और शहर की बड़ी इमारतें हिलने लगती है। सुपरमैन ऊपर से गिरने वाले लोगों को बचाता है। उनके शहर में गैस पाइपलाइन में एक ब्लास्ट हो जाता है और आग तेजी से उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन सुपरमैन अपनी एक फूंक से उस आग को बुझा देता है। शहर के लोगों को बचाने के बाद सुपरमैन लुईस के पास जाने लगता है। रिचर्ड लुईस को बचाने आया था। अब क्रिस्टल पानी से बाहर आने लगते हैं और उनमें से एक लेक्स की बोर्ड से टकराता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वो तीनों पानी के अंदर डूबने लगते हैं। तभी सुपरमैन उन्हें बचाने आता है। रिचर्ड एक पायलट था। वो जेसन और लुईस को लेकर निकल जाता है। इसके बाद सुपरमैन लेक्स के पास आता है, लेकिन क्रिप्टोनाइट के पास होने से सुपरमैन अपनी पावर खो देता है। लेक्स उसे एक जोर का पंच मारता है और उसके लोग उसे पीटने लगते हैं। लेक्स की गर्लफ्रेंड उसे ऐसा देखकर रोने लगती है क्योंकि सुपरमैन ने उसकी जान बचाई थी। लेक्स क्रिप्टोनाइट से उसे मारकर पानी में फेंक देता है और जब लुईस को होश आता है तो वो रिचर्ड को वापस चलने के लिए कहती है, नहीं तो सुपरमैन मर जाएगा। वो लोग सुपरमैन को पानी में डूबता देखकर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब सुपरमैन को होश आता है, उस क्रिस्टल्स को रोकने के लिए लुईस को जाने के लिए कहता है और सूरज की रेस को एब्जॉर्ब करके सुपरमैन पानी की गहराइयों में जाता है ताकि उसे जड़ से निकाल सके। उधर लूथर अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, लेकिन तभी वहां भूकंप आने लगता है और उसके लोग पत्थर के नीचे दबकर मारे जाते हैं। लूथर प्लेन लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सारे क्रिस्टल्स वहीं पर फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लेक्स और लोगों की जान ले। लेक्स सुपरमैन को उस क्रिस्टल को उठाते हुए देखता है जो एक आइलैंड बन चुका था, लेकिन उसमें से क्रिप्टोनाइट निकल रहा था जो सुपरमैन को मार रहा था। वो किसी तरह से स्पेस में ले जाकर उसे सूरज की तरफ फेंक देता है। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, जमीन से टकराता है। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी से क्रिप्टोनाइट के टुकड़े निकालते हैं, लेकिन वो उसे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा पाते। सभी को लगता है कि इस बार सुपरमैन नहीं बच पाएगा। रिचर्ड लुईस से कहता है कि उसे एक बार सुपरमैन से मिल लेना चाहिए। जब लुईस उसके पास जाती है तो सुपरमैन बेहोश था। वो उसे वापस आने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल के बाहर सुपरमैन की मां खड़ी थी, पर उन्हें कोई अंदर नहीं जाने देता क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं था। कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि सुपरमैन हॉस्पिटल से गायब था। वो कहां गया किसी को भी नहीं पता था, पर सुपरमैन अभी भी जिंदा था और वो जेसन से मिलने आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसी का बेटा है। जब सुपरमैन वापस जा रहा था तो लुईस उसे देखती है और कहती है कि तुम दोबारा कब आओगे। तब सुपरमैन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, और वो उसे बाय कहकर फिर से स्पेस में चला जाता है। इसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो एक छोटे से आइलैंड पर फंसा हुआ था, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारी ये वाली मूवीज जरूर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।